नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुधीर कुमार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताऊंगा, मेरे पास एक साटा है जियो ऐप 220 का। ये देखना, इसका मॉडल नंबर दिखा देता हूँ, जियो ऐप 220 का सेट है। और दोस्तों इसमें प्रॉब्लम है, इसकी जो चार्जिंग आईसी यहाँ पे लगी थी वो मैंने दोस्तों रिमूव कर दी है, वो जलने लगी थी दोस्तों, इसमें शॉर्टिंग आने लगी थी। थोड़ा जूमिंग कर देता हूँ जिससे कि आपको क्लियर दिखने लगे। देखना दोस्तों, यहाँ पे इसकी चार्जिंग आईसी लगी थी, मैंने इसको यहाँ से रिमूव कर दी दोस्तों। और कुछ लोग बोलते हैं सर यहाँ पे अगर आईसी चेंज कर दें तो कैसा रहेगा। दोस्तों चेंज करना आसान बात नहीं है, अगर चेंज करनी आपको आती है तो आप चेंज कर सकते हैं। कुछ लोग दोस्तों मोबाइल रिपेयरिंग की लाइन में नए आए हुए हैं तो उनके लिए ये चेंज मुश्किल करनी पड़ती है। दोस्तों आपको क्या करना है, आपको यहाँ से जम्पर यहाँ पे कैपेसिटर पे दे देना है प्लस वाली लाइन का, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर फिर भी नहीं होती दोस्तों तो यहाँ पे जो एनटीसी का जो पॉइंट आता है वो हमारा इस ये वाली बिंदी दिख रही है आपको, इस चीज़ से इंडिकेट करता है एनटीसी वाला पॉइंट। मैं आपको अभी रीडिंग दिखाता हूँ उसकी चार्जिंग पिन लगा के। देखना मैं इसमें चार्जिंग पिन लगाता हूँ और अभी मैं यहाँ पे झंपड़ मारता हूँ। एक आपको छोटा सा झंपड़ लेना है। और आपको यहाँ से चार्जिंग बाईपास करना है। ये देखना मैंने यहाँ से यहाँ के लिए झंपड़ मार दिया है। ये देखना मैंने दोस्तों यहाँ से यहाँ के लिए झंपड़ मारा है। तो इसकी दोस्तों अब हम रीडिंग चेक करेंगे, हमारी रीडिंग वोल्टेज कितने शो हो रहे हैं। इसके दोस्तों वोल्टेज चेक करता हूँ मैं। देखना इसके अभी यहाँ पे दोस्तों वोल्टेज नहीं आ रहे हैं। ये देखना यहाँ पे अभी वोल्टेज नहीं आ रहे हैं दोस्तों, और दोस्तों यहाँ पे आना चाहिए पर वोल्टेज यहाँ पे नहीं आ रहे हैं। दोस्तों इसका कारण क्या हो सकता है दोस्तों, दोस्तों हमें बोर्ड में अच्छे से ध्यान से देखना है दोस्तों, मैं आपको अभी बताता हूँ। यहाँ पे देखना दोस्तों, यहाँ से अच्छे से देखना है, यहाँ पे एक दो रेजिस्टेंस लगी होती है एनटीसी पॉइंट की, इस वाले की इंडिकेट की। तो दोस्तों यहाँ पे देखना, यहाँ पे दो रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ पे एक ही रेजिस्टेंस है। किसी ने मैकेनिकल ने इसमें काम किया तो वो रेजिस्टेंस यहाँ से हटा दिए, तो उस रेजिस्टेंस पे यहाँ पे देखना, अगर आपके पास दूसरा बोर्ड है तो वो रेजिस्टेंस डाल सकते हैं, और नहीं है तो आप यहाँ पे इस रेजिस्टेंस पे झंपड़ कर सकते हैं। ये दोनों पॉइंट आपस में शॉर्ट करके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। देखना मैं अभी आपको दिखाता हूँ, मेरे वोल्टेज अभी यहाँ पे नहीं आ रहे हैं, और जैसे ही मैं इस पे झंपड़ करता हूँ देखते हैं फिर हमारे वोल्टेज आते हैं या नहीं आते हैं। देखना दोस्तों मैंने यहाँ पे झंपड़ कर दिया है, मैं आपको दिखा दूँ थोड़ा। देखना दोस्तों यहाँ पे, ये देखना यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगी थी ब्लैक कलर की, ये हटा दी है। अब इसे हमने दोनों को शॉर्ट कर दिया है। अब मैं यहाँ पे रीडिंग चेक करता हूँ, अब मेरी कितनी रीडिंग आ रही है यहाँ पे। दोस्तों आपको स्टेप बाय स्टेप समझना है और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये देखना दोस्तों मेरे वोल्टेज पूरे आने लगे हैं यहाँ पे। देखना चार्जिंग की सप्लाई मेरी यहाँ पे पूरी प्रॉपर आने लगी दोस्तों। ये एनटीसी का पॉइंट है दोस्तों, ये हमारा इसी से इंडिकेट करता है दोस्तों। अब दोस्तों हम इसमें बैटरी लगा के देखते हैं हमारा सेट ऑन होता है या नहीं होता है, मतलब चार्जिंग चलती है या नहीं चलती है। देखना मैंने बैटरी लगा दी है, फिर भी मेरा अभी चार्जिंग नहीं हो रहा है, नहीं तो बैटरी लगाते ही तुरंत उठ जाता है, और बाई चांस बैटरी नहीं लगाते हैं फिर भी ये ऑटोमेटिक उठता रहता है। तो अभी इसमें क्या प्रॉब्लम रहेगी दोस्तों, अभी इसमें प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम कहाँ से है दोस्तों, अब मैं आपको समझाता हूँ।
जैसे कि दोस्तों ये एनटीसी वाला पॉइंट मैंने अभी आपको बताया, ये रेजिस्टेंस प्लस माइनस ये झंपड़ कर दिया मैंने, ये रेजिस्टेंस टूट गई थी, तो जो बीच वाला पॉइंट है ये इंडिकेट दोस्तों इस झंपड़ से करता है। यहाँ पे देखना एक बिंदी लगी हुई है, इसकी सप्लाई दोस्तों चार्जिंग जैक से कट गई है, तो इसको दोस्तों हमें प्लस में शॉर्ट कर देना है। जैसे कि देखो मैं अभी आपको कुछ इस प्रकार से देखना चिमटी की मदद से आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे शॉर्ट करके बता रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे ऐसे करके कुछ शॉर्ट कर देना है। मैं अभी आपको शॉर्ट करके दिखाता हूँ, फिर देखते हैं हमारा सेट चार्जिंग होता है या नहीं। देखना दोस्तों मैंने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया है इसका सर्किट। अब मैं इसमें बैटरी लगा के देखता हूँ। देखना दोस्तों अब मेरा सेट भी उड़ने लगा है ऑटोमेटिक। देखना मैंने जो झंपड़ किया था उससे अब शॉर्ट उठने लगा है ऑटोमेटिक। जैसे ही मैं इसको हटा दूंगा दोस्तों ये वर्किंग करना बंद कर देगा। देखना मैंने अब इसे हटा दिया है, देखना अब ये सेट ऑन नहीं होगा। देखना दोस्तों अब ये ऑटोमेटिक चार्जिंग नहीं हो रहा। जैसे ही दोस्तों इस बिंदी पे मैं ये देखना गौर से इस बिंदी को मैंने हटा दिया, जैसे ही मैं इसको शॉर्ट करूंगा ये चार्जिंग लेने लगेगा। देखना मैंने शॉर्ट कर दिया है, अभी ये चार्जिंग लेने लगेगा। मैं पिन सूखता हूँ इसमें लगाता हूँ, देखना दोस्तों, और इसे मैं जब मैं चार्जिंग पे लगाऊंगा ये चार्जिंग भी होने लगेगा। देखना दोस्तों चार्जिंग भी होने लगेगा। देखना दोस्तों अभी मेरी शायद 50% बैटरी है, और दोस्तों अगर आपकी 50% बैटरी नहीं है या एनटीसी की अगर प्रॉब्लम आती है तो दोस्तों आपको जो मैंने अभी झंपड़ बताया था रेजिस्टेंस वाला, वो झंपड़ लगा लेना है और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी 100%। और आपकी प्रॉब्लम एनटीसी पॉइंट की नहीं होती है तो आपको दोस्तों मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पर देखना यहाँ पे जो मैंने आपको जो रेजिस्टेंस पे यहाँ पे झंपड़ बताया, यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस डाल देनी है। अगर एनटीसी की पॉइंट की जो सप्लाई है वो ब्रेक हो जाती है तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस डाल देना, जो आपकी 50% की जो बैटरी की शो कराता है सेट में, तो वो प्रॉब्लम आपकी फिर से हट जाएगी। तो दोस्तों यही बताऊँगा बार बार, ये 50% की प्रॉब्लम आ जाएगी अगर आपके साइड में, तो आपको रेजिस्टेंस चेंज कर देनी है और आपकी प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।